हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। तेल थोड़ा ज्यादा चला गया है और वंशु मुझे बताएगा कि मैं किस तरह बनाऊं। तो ये देखिए, वंशु बोल रहा है कि मम्मा बतासा डाल दो इसमें। बेटा, इसमें बतासा नहीं डलाता है, इसमें डलाता है फोरन। इसको बहुत मन करता है अपने हाथों से डालने के लिए। और मैं बना रही हूँ सिर्फ अपने लिए और इसके लिए खाना। और मम्मी हो गए तो बंसु यहाँ पर खाने वाला है दवाई। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बंसु कितना अच्छे से दवाई खा लेता है। लो देखना, हाँ बंसु कितना अच्छे से दवाई खा लेता है। ला बेटा, निकाल दू, ऐसे नहीं निकलता बेटा। अरे 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 अब नहीं, दो गोली खा लिया है और मंग रहा है और खाऊंगा। तो मेरा तेल गरम हो गया है, मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। ला मैं खा रही हूँ। तो मैं भी दवाई खा ली। इसको जो काम ये करेगा ना, वो मुझसे भी करवाएगा। इसको ये दवाई खाएगा तो मुझे भी दवाई खाना है। तो मैं हमेशा इसको उल्लू बना देती हूँ और ऐसी बस ऐसे करती हूँ तो इसको लगता है मैं भी खा ली हूँ। ये कैल्शियम की गोली खा रहा था, कैल्शियम। और मैं बना रही हूँ अपने लिए आलू गोभी की सब्जी और चावल और दाल मैं बना ली हूँ। और बंसु के लिए बनाऊंगी मैं रोटी। और इसके पापा बनाते हैं अपना अलग खाना और मैं बनाती हूँ अपना अलग खाना। हम दोनों अलग हो गए हैं, अलग अलग खाना बनाते हैं। और मेरा चूल्हा और मेरा बर्तन यही है, उनका किचन अलग हो गया है। हम दोनों के बीच हो गई है फाइट, बाद में बताऊंगी। तो मेरा नया वाला आलू है, थोड़ा टाइम लगेगा और पहले उसको अच्छे से भून लेती हूँ। तब तक मैं वंशु के लिए बना लेती हूँ रोटी। तो बंसु के लिए रोटी बन गई है। और कभी भी आप रोटी बनाते हैं तो पिछला जरूर डाला करिए, थोड़ा सा भी ऐसा पिछला, नहीं तो ये पिछली रोटी हो जाएगी, इसलिए पिछला डालना चाहिए। और बच्चे को खिलाने के टाइम तो जरूरी है कि पिछला रोटी डालना ही चाहिए, बच्चे को पिछली रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। तो मैं रोटी में लगा रही हूँ घी और नमक।
मतलब घी भी कुछ खत्म हो जाए तो उसमें पोंछ के निकाल लेते हो है? बताना, ये हम औरत लोग का काम रहता है। तो ये घी या नमक खा लेता है, रोटी में लगा देती हूँ घी और नमक तो ये आराम से खा लेता है। दिखाती हूँ आपको, देखिए और मैं बना रही हूँ बिना लहसुन और प्याज की सब्जी, आलू बैगन का बिना लहसुन प्याज की सब्जी। तो चलिए देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। तो ये मेरी सब्जी अच्छे से भुन गई है और इसमें डालूंगी अब मैं मसाले। तेल थोड़ा ज़्यादा डला गया था तो कोई बात नहीं, बिना लहसुन प्याज में थोड़ा सा तेल ज़्यादा चलता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और यकीन मानिए आज की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ अपना मिर्च पाउडर, गोलकी जीरा और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए बैगन में। तो ये सारे पाउडर मैं मिला के अच्छे से भूंज लूँगी और इसकी बनाऊँगी मैं सूखी वाली सब्जी। एकदम थोड़ी सी पानी डालूँगी और इसको रोटी चपाती चावल सबके साथ अच्छे लगते हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और वीडियो पूरा देखिएगा, आगे इसके पापा बनाएंगे कुछ खाना। तो ये है मैं बना रही हूँ यहाँ पास और इसके बाद इसके पापा अपना खाना बनाएंगे। तो आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज हम दोनों अलग अलग खाना बनाए हैं, आगे बताऊँगी क्यों बनाए हैं हम दोनों अलग अलग खाना। तो यहाँ पर मैं सब्जी में देखिए थोड़ी सी ही पानी डाली हूँ और ये देखिए मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई है और एकदम सूखी सब्जी बनी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी है। तो वाली सब्जी बन गई है और ये देखिए मेरे दाल में थोड़ी सी दाल बनाई थी और ये है मेरे चावल। तो ये देखिए मैं खाना वाना खा ली हूँ और सारे बर्तन निकल गए हैं और गैस वैस भी अच्छे से पोंछ ली हूँ। तो चलिए आज मैं फिर, अब मेरा किचन आपने देख लिया, चलिए मैं आपको अपने हस्बैंड का किचन दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये इनका गैस चूल्हा है और ये इनके थोड़े बहुत बर्तन हैं और आलू है, नमक है, चीनी है, इनके खाने के सारे सामग्री है और इन्होंने भी खा लिया है अपना सुबह का फ्रूट रूट खा लिए हैं। और बाकी बर्तन देखिए इधर है, दूध दूध गर्म किए हैं जो। तो ये है इनके बर्तन, तो हम दोनों का अलग अलग हो गया है। दुर्गे थप्पड़ वाली तेरे ही गुण गाऊं मैया, हर सब उतारे तेरी आरती, तभी बड़ी है पाली माँ बोली आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे एक छोटा सा कोना माँ, बिगड़ी बनाने वाली गुनी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
तो सांझ की आरती हो गई है और इसके पापा बना रहे हैं अपने लिए खाना, और मुझे नहीं आती है आरती, जो बीच बीच में थोड़ी बहुत आ जाती है तो मैं बोल देती हूँ। तो आज मैं आपको सांझ की आरती दिखा दी। तो इसके पापा धोती गमछा मतलब धोती पहन के ही पूजा करते हैं, भर नवरात्रि पूजा करने के टाइम धोती पहन लेते हैं, फिर पूजा करने के बाद खोल देते हैं। तो ये इनका 9 दिन का फास्ट चल रहा है। तो ये सुबह फ्रूट खाते हैं और शाम को सिंधा नमक का खाते हैं। तो अभी शाम का बना रहे हैं सिंधा नमक का, आलू का पराठा बना रहे हैं। तो हर बार मैं बनाती थी इनके लिए खाना, लेकिन इस बार मैं नहीं बना पा रही हूँ इनके लिए, क्योंकि मैं चाहकर भी इनके लिए नहीं बना सकती और इनकी मैं कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। एक तो ये फास्ट हैं और ऊपर से इनको सारे काम करने पड़ रहे हैं अपना, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो मैं बनाती थी इनके लिए आलू का पराठा, लेकिन इनसे नहीं बन पाता है इससे। तो ये देखिए कुछ नया बना रहे हैं, मैं ही इनको बोली ऐसे बनाइए। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये अलग खाना क्यों बना रहे हैं। ये अलग खाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेरा मंथ चल रहा है, पीरियड वाला मंथ है, और नवरात्रा में मैं ये सब नहीं छू सकती पूजा पाठ का। और इन ये नवरात्रा का फास्ट कर रहे हैं, पाठ करते हैं, ये पाठ पढ़ते हैं रोज़, तो मैं इनको अपने हाथ का खाना बना के नहीं खिला सकती हूँ, तो इसीलिए ये खुद ही कर रहे हैं। तो आज ये इनका बस लास्ट है, मैं आज इसके बाद मैं बनाऊँगी, बस मेरा 5 दिन कम्प्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए ये खाना बना रहे हैं और 5 दिन से इन्हीं को सब चीज़ करना पड़ रहा था, ये सारे काम, खाना बनाना और जो ये बर्तन जो निकलते हैं ये सारे बर्तन को धोना, तो सब चीज़ इन्हीं को ही करना पड़ रहा था। और ये देखिए ये क्या बना रहे हैं, कट्टू के आटे का मैं पराठा बनाती थी लेकिन इनसे नहीं बन पा रहा है, तो मैंने इनको कुछ दूसरे तरीके से बनाने के लिए बता दी हूँ। तो मैंने इनको बोला पहले घी डालिए, फिर मिर्च को उसमें भूंज लीजिए, फिर कट्टू का आटा मतलब एक मुट्ठी आटा, एक डेढ़ मुट्ठी आटा को उसमें अच्छे से भूंज लेंगे, और फिर इसमें जो आलू डाले हुए हैं सारे मसल के डाल देंगे, तो टेस्ट सेम वैसा ही आता है। तो इनसे ये वाला पराठा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इनसे नहीं बन पा रहा था। मैं जब बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये डाल रहे हैं अब सिंधा नमक, इसमें ये मसाले बस हरी मिर्च और सिंधा नमक ही खाते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ये भी खाएंगे यही, और दूध पियेंगे, थोड़ा बहुत जो फल चढ़ाए हुए हैं तो वही खाएंगे। तो इस बार इनका 7 साल हो जाएगा नवरात्रि का, 7 सालों से ये नवरात्रि कर रहे हैं। तो देखिए बेचारे पे मेरे को बहुत दया आ रही थी, मैं चाहकर भी इनकी हेल्प नहीं कर पा रही थी, इनको बहुत परेशानी हो जा रहा था, घर का काम भी करना था मतलब ऑफिस का काम भी करना रहता था इनको। तो चलिए आज इनके हाथ की रेसिपी देखते हैं, और मैं आपको ना इनके हाथ की रेसिपी आपको दिखाऊंगी वीडियो में। ये बहुत सारे चीज़ बनाते हैं, तो मैं ना आगे कोशिश करूंगी कि जब ये बनाए ना तो मैं इनसे पूरा बनवाऊं और आपको ज़रूर दिखाऊं। ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मुझसे भी अच्छा बना लेते हैं, बस नॉनवेज मैं अच्छा बना लेती हूँ। और ये समोसा बहुत अच्छा बनाते हैं, ये समोसा बहुत ही अच्छा बनाते हैं एकदम हलवाई की तरह। तो मैं कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब ये समोसा बनाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो ये देखिए इनका ये बन गया है, इसमें आलू को गुड़ दिए हैं और अच्छे से भूंज लिए हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इस टाइम बस थोड़ा सा नमक मुंह में चला जाए तो सोने पे सुहागा होता है, तो ये वही बात है, बस ये आलू और उकल लिए हैं और नमक डाल दिए हैं, तो इनको मज़ा आ जाएगी क्योंकि इनका फास्ट चल रहा है, तो अच्छा लगता है खाने में। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आलू का चोखा जो समझिए वही है। तो ये देखिए इनका भी ये बन के रेडी हो गया है, और अब ये अपना थाली लगाएंगे। और इधर बंसु मंगने के लिए आ गया है, ये ऐसे ही करता है, मंगने आ जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो।